लोग यहाँ पर $40 महीने में नहीं कमा पाते, इनके इन्हें एक दिन में $40 बन रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर और चैनल पर $1700 की इनकम सिर्फ और सिर्फ एक महीने की इनकम 7000 सब्सक्राइबर पर। अब आप कह रहे हो क्यों मजाक कर रहे हो, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ और आपको तरीका बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज मैं लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और कैसे इन्होंने $2000 टच किया एक महीने में, जबकि चैनल पर सब्सक्राइबर है 7000 और जब इनके चैनल पर $2000 इन्होंने कंप्लीट किया था उस टाइम इनके चैनल पर सब्सक्राइबर थे सिर्फ और सिर्फ 5000। कैसे हुआ, क्या हुआ और कॉपी पेस्ट करके इन्होंने किया है, उसके बाद इम्प्रूव किया है। इन्होंने वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत लोगों की वीडियो देखी, यूट्यूब से भी कुछ सीख मिली इन्हें और वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि एक नॉलेज अगर क्लिक कर गई आपको और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो महीने के अगर आप $1000 ही कमाते हो, और आज के टाइम में डॉलर की कीमत इंडिया में आपको पता है 75,000 से 80,000 रुपए घर बैठे सिर्फ 3 से 4 घंटे की मेहनत करने पर अगर आपको मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और कुछ कभी हो ही नहीं सकती। 70-80 हजार रुपए कमाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं और यहां तो आपको सिर्फ 3 और 4 घंटे मेहनत करनी है। आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको विद प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है अभी आपके सामने, यहां पर मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देखिए एक चैनल है जिसका नाम है मेडिटेशन म्यूजिक एंड माइंड, मेडिटेशन म्यूजिक माइंड। ये चैनल पर सब्सक्राइबर है 6,099, मतलब कि 6,999 के समथिंग होंगे, 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। इस पर व्यूज कितने हैं, 17,469 व्यूज हैं। अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता कि इनके चैनल पर इतने डॉलर हैं, इतनी डॉलर की इनकम कैसे हो रही है, तो एक सेकंड दीजिए मैं आपको बता रहा हूं ना, एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर मैं वीडियो देख रहा था, महात्मा जी टेक्निकल की वीडियो देख रहा था, तो जब वीडियो देखते देखते मुझे ये वीडियो दिखी सामने, यहां पर इन्होंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तो मैंने सोचा अपनी ऑडियंस को मैं सिखाऊं, मैं बता दूं जो मेरी ऑडियंस है और लोगों को ज्यादा नॉलेज मिलेगी। महात्मा जी टेक्निकल का चैनल बहुत बड़ा है, बहुत बिग है, ज्यादा ऑडियंस है, लोग देखते हैं, इनकी मेंबरशिप भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ लोगों को बताते हैं। लेकिन क्या बात हुई, क्या इस लड़की ने कहा, पहले आप ये सुनिए, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये चैनल ना मैंने बनाया था 20 अगस्त 2020 में या जब मतलब कोविड चालू ही हुआ था एंड हमारा वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ था एंड आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड कि मतलब 12-12, 13-13 घंटे ऑफिस का काम करने के बाद वो रहता है ना कि मतलब सेकंड क्या से तकरीबन एक साल हो गया होगा, हाँ एक साल अराउंड हो जाएगा अभी। तो वो चैनल मैंने वो टाइम पे रिलैक्सिंग मतलब पता नहीं था ज्यादा 141 वीडियो बनाए थे मैंने वो चैनल पे, ये सेम था रिलैक्सिंग म्यूजिक एम्बिएंट म्यूजिक डाउनलोड करो यूट्यूब लाइब्रेरी से, पिक्सल से बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करो और अपलोड करो, जैसे तैसे उसके ऊपर सारा कंप्लीट कर दिया एंड यूट्यूब ने मोनेटाइज नहीं किया, बोल के कि रीयूज कंटेंट है आपका कुछ नहीं है, तो मैंने बोला लो साल किया हुआ गया 6 महीने का। आफ्टर दैट फिर से सारे वीडियो डिलीट करके अभी फिर से इसमें फिर नया कुछ किया तो भाई हो गया करके। अभी इसकी ऑडियंस भी अपनी देखा आपने, ये चीजें जो मैं आपको दिखाना और बताना चाह रहा था, ये चीज समझने वाली बात है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, म्यूजिक को उठाया था लाइब्रेरी से और कुछ कोटेशन उठाकर अपलोड कर रहे थे। इन्हें नॉलेज नहीं थी कि रीयूज कंटेंट वाली भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब इन्हें पता चला तो इन्होंने उस सभी वीडियो को डिलीट किया, उसके बाद इन्होंने चेंज किया और वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया। क्या वीडियो ये अपलोड करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो जो अपलोड करते हैं देखो, यहां पर ये वीडियो है, ये वीडियो इन्होंने अपलोड कर रखा है। यहां पर देखो 26 मार्च 2022 को ये वीडियो अपलोड की गई है, लेकिन वहीं अगर मैं इनके चैनल पर लेकर चलता हूं, ये चैनल है, यहां पर आप देखिए एक महीने की अर्निंग $1791 है और सब्सक्राइबर है सिर्फ 5432 सब्सक्राइबर हैं। और आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा ये लास्ट 28 दिन की ही इनकम दिखा रहा हूं आपको इनके चैनल पर, यहां पर आप देख सकते हैं राइट, ये चीजें आपको मैंने दिखाई। अब आगे आपको बताता हूं आपको क्या काम करना है जिससे आपके चैनल पर रीयूज ना आए और आपका चैनल मोनेटाइज रहे और आप कैसे वीडियो बनाएंगे। उसके पहले छोटी सी क्लिप आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इनके चैनल पर ज्यादा इतना रेवेन्यू कैसे आ रहा है, इतनी ज्यादा रेवेन्यू कैसे आ रही है आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आइए, इनके चैनल पर चलते हैं, देखते हैं। हां जी सर जी, मैं दिखाती हूं आपको, ये देखिएगा आप ऑडियंस टैब में जाओगे तो
देता हूँ, तो यूएस से देखिएगा 34% वॉल्यूम आ रहा है, इंडिया से 21.3 एंड रेस्ट ऑल लाइक स्मॉल स्मॉल कंट्रीज से। यहाँ पर आप देखिए इनके चैनल पर ज्यादा रेवेन्यू इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसका आरपीएम $3.5 है। आरपीएम का मतलब होता है 1000 व्यूज पर इतने डॉलर बन जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। एक एक दिन में $40-40 इनके बन रहे हैं। लोग यहाँ पर $40 महीने में नहीं कमा पाते, इनके एक महीने एक दिन में $40 बन रहे हैं। कैसे? ये वीडियो बनाते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। अंग्रेजी वीडियो कैसे बनानी होती है, जैसे मान लो कोई फेमस फिलोसफर है, फेमस कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा लोग है जो फेमस लोग हैं, जैसे अब्राहम लिंकन हो गए या फिर बराक ओबामा हो गए, ये सब लोग हैं जो यूएस के यूके के या फिर अलग कंट्री के जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा चलती है, जहां पर डॉलर यूज होता है, तो उस कंट्री का ये कोटेशन उठाते हैं, ये वीडियो उठाते हैं, ठीक है, वहां पर ये देखते हैं। फिर देखने के बाद क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वही काम आपको भी करना है। इनके चैनल पर मैं रिसेंट की वीडियो पर ओपन करूंगा, इन्होंने जो रिसेंट पे वीडियो अपलोड की है वो मैं ओपन करूंगा। 6 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड की, 1 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की, 3 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की, 4 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की, 6 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की, 21 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की, यानी कि एक दिन में कितनी वीडियो अपलोड करते, 6 वीडियो अपलोड करते, दो दो डेढ़ डेढ़ मिनट की। अब आपको दिखाता हूं ये क्या अपलोड करते हैं, क्या डालते हैं। यहां पर जो अभी वीडियो इनकी अपलोड हुई ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, आप इनसे सीखिए कुछ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, राइट। ये नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, मतलब बता सकते हैं लोग लेकिन जो एक्सप्लेन करना है वो नहीं बताएंगे। देखिए यहां पर देखिए, दिस इज ए नाउ प्लीज, आई नो वी आर हैंगिंग आउट ऑल द टाइम, वी स्पेंड टू मच टाइम टूगेदर, माई डे स्टार्ट विथ यू। अब ये चीज जो है ना, इनकी ऑडियंस क्या है, इंग्लिश की ऑडियंस है, अंग्रेज ऑडियंस है, तो वो इंग्लिश देखना पसंद करते हैं, वो उन्हें समझ में आता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। अगर आपकी ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ कंट्री है और जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपकी ऑडियंस इंडिया की है और इंडिया में ये वीडियो ज्यादा नहीं चल रही है, आपकी वीडियो नहीं चल रही, तो यूट्यूब भी मोनेटाइज नहीं करेगा, यूट्यूब कहेगा वैल्यू नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा, आपकी ऑडियंस क्लियर हो और आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें वैल्यू होना चाहिए, मेन चीज है वैल्यू। अगर वैल्यू पुट किया है आपने अपनी वीडियो में, तो आपके चैनल को मोनेटाइज होने से कोई यूट्यूब पर रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये सारी चीजें इन्होंने बताई, प्लस ये म्यूजिक जो यूज करते हैं वो यूट्यूब लाइब्रेरी से यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। और बीच बीच में ये क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपको अगर बता रहा हूं तो पूरी नॉलेज मिले, पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज मिले। तो बीच बीच में जो ये करते हैं वो भी देख लेते हैं, इनकी आवाज भी रहती है, वॉइस ओवर भी करते हैं, जो कि आपको भी करना चाहिए अपने वीडियो में, बीच बीच में वॉइस ओवर, प्लस एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो बनाइए अगर आपके पास टाइम है तो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपकी ऑडियंस, आप ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, और आपकी ऑडियंस अगर इंग्लिश की मिल जाती है ना, तो ये मानकर चलो अगर 1000 व्यूज भी आते हैं आपके एक वीडियो पर, तो आपके चैनल पर $50-50, $100-100 पर डे बना सकते हो। ये ध्यान रखो, इनके चैनल पर देखो यहां पर कितने व्यूज आते हैं, रिसेंट वीडियो अपलोड किया है इनके चैनल पर, मान लो 5 दिन पुरानी वीडियो हम देख लेंगे, यहां देखो 3 दिन पुरानी वीडियो देखते हैं, 500 व्यूज आए हैं, 300 व्यूज आए हैं, लेकिन यही व्यूज अगर इंडिया में किसी के चैनल पर आए हो तो 10,000 व्यूज आए हों तब उसके बराबर होगा ये व्यूज। 300 व्यूज और 10,000 व्यूज बराबर होंगे, क्योंकि ये ऑडियंस सारी आउट ऑफ कंट्री है, यूके की है, यूएस की है, और हमारी जो इंडिया की है, क्योंकि हमारा डॉलर यहाँ पर रुपया ज्यादा है, रुपये की कीमत कम है और डॉलर की कीमत ज्यादा है, तो इसलिए हमें डॉलर कम मिलता है। लेकिन अगर डॉलर पर ही हम डायरेक्ट अटैक करेंगे तब तो हमें डॉलर ज्यादा मिलेगा ना, राइट। समझ गए मेरी बात को, जहां पर डॉलर चलते हैं अगर वहां पर कोई वीडियो हमारा देखेगा तो डॉलर हमें ज्यादा मिलेंगे, और जहां पर रुपया चलता है वहां पर अगर कोई वीडियो देखेगा तो हमें डॉलर कम मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खूब आगे तरक्की करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में,